जैसा कि आप मेरे बगल में देख रहे होंगे, मैंने पहले वीडियो बनाई कि बेसिकली अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग समझ चुके हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरह स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट करके चीजों को स्टार्ट करके अपना एफिलिएट मार्केटिंग में करियर किस तरह चालू कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है उसका टॉपिक ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जिन पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और चीजों को प्रमोट करके उनको सेल करवा के कमीशन कमा सकते हो। बिकॉज मैंने बहुत लोग को देखा है, वो सोच तो लेते हैं कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना है लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि बेसिकली ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर ज्यादा मतलब कंपटीशन जिन पर कम है और साथ ही साथ ज्यादा उन पर सेल आती है और साथ ही साथ जिनकी ज्यादा डिमांड हो। बिकॉज जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसकी उतनी ज्यादा सेल होगी। इसी हिसाब से मैं एक आज ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसपे मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिन पर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया, जब मैं अच्छे खासे की बात करता हूं तो लैक्स में बात करता हूं, मतलब लाखों में कमा सकते हैं। बिकॉज वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी नीड कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी, और जाहिर सी बात जब किसी चीज की नीड जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी तो उसकी सेल परमानेंट होती रहेगी, और जब सेल परमानेंट होती रहेगी तो आपके पास कमीशन आता रहेगा। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उन पांचों टॉपिक्स को मैं डिटेल्ड ब्रीफ में एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो किस तरह वर्क कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एज वेल एज मेक मनी ऑनलाइन जैसी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आपको इन सब वीडियोस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं। और साथ ही साथ अगर आपने मुझे अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहां फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस को, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को एंड ऐसे इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं वहां भी आता रहता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है टेक्नोलॉजी नीश। जब मैं टेक्नोलॉजी नीश की बात करता हूं तो मेरे मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि यार जिस तरह लेवल बढ़ता जा रहा है, जिस तरह लोग अपग्रेड हो रहे हैं, उस तरह टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। बिकॉज आने वाला समय आप देखिए बिल्कुल टेक्निकल होने वाला है, और आज का समय आप देख लीजिए कितना टेक्निकल हो चुका है, कितना टेक्नोलॉजी को लोगों ने अडॉप्ट किया है। अगर उन्हें खाना मंगाना होता है तो वो ऑनलाइन मंगाते हैं, उन्हें कपड़े मंगाना होता है तो ऑनलाइन मंगाते हैं, कहीं घूमने जाना होता है तो ऑनलाइन बुक करके घूमने जाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी टेक्नोलॉजी की डिमांड हो गई प्रेजेंट टाइम पे। तो इसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलेंगे तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पर बात करूं तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर छोटी छोटी कंपनीज है, हर हफ्ते कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई पीसी हो, चाहे वो कोई गेमिंग वाला हो, ठीक है, चाहे वो कोई गैजेट्स हो, मतलब एवरीथिंग टेक्नोलॉजी में सब कुछ आने लगता है। और जिस तरह सब चीजें आ रही हैं उस तरह लोग उसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इसको हर फील्ड का बंदा, आप खुद बताइए मोबाइल किसके पास नहीं होता है, मोबाइल हर फील्ड के बंदे के पास होता है। आज मोबाइल उनके पास भी है जो कि एक मजदूर है, 300 रुपए में काम कर रहे हैं। अब मोबाइल उनके पास भी है जो कि 300 करोड़ की कंपनी उनकी, उनके पास भी मोबाइल है, गैजेट्स है, लैपटॉप्स है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह जमाना जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी का फील्ड कितना बड़ा है, मोबाइल भी इसमें आता है, गैजेट्स भी इसमें आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक एफिलिएट मार्केटर के तौर पर आपको स्टार्टिंग में इन सब के ऊपर वर्क नहीं करना है, बिकॉज अगर इन सब के ऊपर वर्क करोगे, इन सब के ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो जो यूजर आपके पास आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा बेसिकली वेबसाइट किस तौर पर बनी हुई है या फिर ये जो चैनल से प्रमोट कर रहा है किस तौर पर बना हुआ है। अगर आप टेक्नोलॉजी की हम बात करें, मान लीजिए आप मोबाइल पर रिव्यू लिखते हैं, ठीक है, मोबाइल पर रिव्यू लिख के वहां पर एफिलिएट लगा के उसकी सेल करवाते हो और कमीशन कमाते हो, तो वेल एंड गुड, आप मोबाइल पर सिर्फ वर्क करो। अगर आप गैजेट्स पे करते हो सिर्फ गैजेट्स पे वर्क करो, अगर आप पीसी पे करते हो सिर्फ पीसी करो, क्योंकि इससे जानते क्या होगा, इससे आपके ट्रस्टेड कस्टमर्स बनेंगे। अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट से कुछ खरीद रहा है तो दोबारा उसे कुछ खरीदना होगा तो वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, उसका रिव्यू पड़ेगा, तब जाके आपके एफिलिएट लिंक से खरीदेगा। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि अगर आपको वर्क करना है टेक्नोलॉजी के नीश में तो आप किसी स्मॉल टॉपिक को पकड़ के चलो, या तो मोबाइल का पकड़ लो, या तो किसी गैजेट्स का, या तो पीसी का, या तो गेमिंग का, या कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जब इसमें वर्क करोगे तो आप अच्छे तरीके से सेल करवा पाओगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट टेक्नोलॉजी में ये होता है कि आपके पास कंटेंट लिखने की कमी नहीं होगी।
बिकॉज हर हफ्ते, हर महीने, हर साल या हर दिन कोई ना कोई कंपनी कोई ना कोई मोबाइल या फिर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करती रहती है, अपने मार्केट पर लॉन्च करती रहती है। बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो उनको थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा और ज्यादा नए सिरे टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं इसके टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो बेसिकली अगर मान लीजिए पहला टॉपिक ले लिया हमने मोबाइल के ऊपर, तो अगर हम मोबाइल के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप आर्टिकल लिख सकते हैं मोबाइल के रिव्यूज के बारे में, जो एप्लीकेशंस होते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशंस उनके बारे में रिव्यू लिख सकते हैं, iOS के एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में रिव्यूज लिख सकते हैं, वहां पर उनका एफिलिएट लिंक प्रमोट करके वहां से कमीशन कमा सकते हैं। अगर हम पीसी में आते हैं, लैपटॉप में आते हैं, तो आप लैपटॉप के रिव्यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनके सॉफ्टवेयर उनके हार्डवेयर के रिव्यू कर सकते हैं और वहां से सेल करवा कमीशन कमा सकते हैं। अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो वहां पर गेमिंग के सब्सक्रिप्शन को आप प्रमोट कर सकते हैं, उनके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर मैं गैजेट्स की बात करूं तो गैजेट्स में बहुत सारे टूल्स एंड गैजेट्स आते हैं जिनको आप प्रमोट करके उनके एफिलिएट लिंक को वहां से बिकवा कर कमीशन कमा सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाते हैं तो आपको कितना सारा बेनिफिट होता है, कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिन पर आप चूज कर सकते हो कि इजिली कि मेरा इंटरेस्ट अगर टेक्नोलॉजी में है तो किसमें है और उसको मैं एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करा दूंगा। तो ये हमारा कुछ पहला टॉपिक था जिसको मैंने आपको बताया। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है हेल्थ निश। और जब मेरे मन में कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई बात आती है ना तो मेरे मन में एक थॉट जरूर आता है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही आपकी संपत्ति है। और बेसिकली पिछले साल के मुताबिक एक सर्वे में देखा गया है कि हेल्थ जो नीश है वो $11 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोग इस चीज को परचेस करते हैं और जो आने वाला समय है इस हेल्थ के नीश में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। बिकॉज आज हर एक बंदा चाहता है कि भाई मेरी बॉडी हो, मैं भी एक बिल्कुल फिट फाट बंदा दिखूं कि मैं अगर सामने जाऊं तो बिल्कुल मैं अट्रैक्टिव दिखूं, उससे लोग मेरे अट्रैक्ट हो जाए। मतलब हर एक बंदा चाहता है, और जब हर एक बंदा चाहता है इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ही परचेस करेगा। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ गई, और जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई मतलब सेल भी होगी। अब मौका आपके पास है, अगर आप हेल्थ में इंटरेस्टेड हो, हेल्थ में लिखने लायक हो, हेल्थ में एफिलिएट मार्केटिंग करने लायक हो, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बिकॉज आज हर एक बंदा हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट लेना चाहता है और अपने हेल्थ को सुधारना चाहता है। अब यहां पर आपको देखना है बेसिकली आप कौन से मार्केटर हो। हेल्थ के नीश में दो मार्केटर होते हैं। पहले मार्केटर वो होते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं, जिनकी खुद की अच्छी खासी बॉडी होती है और वो अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके मतलब लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी बॉडी से, जिससे क्या होता है कि वो एफिलिएट लिंक के द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सप्लीमेंट्स हो गया, वेट लॉस प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोटीन शेक्स हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं उसको प्रमोट करते हैं और सेल करवाते हैं। और सेकंड बंदे इसमें ये होते हैं जिनके पास फिटनेस तो नहीं होती है, ना ही अच्छी खासी बॉडी होती है, बट उनको नॉलेज होती है, तो वो उनको चालू करना होता है ब्लॉग। बिकॉज ब्लॉग में उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, ब्लॉग में उनकी लिखावट दिख रही है कि लोग उन्हें आप किस तरह सही तरीके से समझा पा रहे हैं। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एफिलिएट लिंक देके प्रमोट करके वहां से सेल करवा के कमीशन कमा सकते हो। अब बेसिकली आपको यहां पर देखना है कि आप इन दोनों में से कौन से बंदे हो, किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अगर इनमें मैं टॉपिक्स की बात करूं तो बेसिकली से हमारा पहला टॉपिक आता है लाइक वेट लॉस। आजकल आप मार्केट में देख रहे हो वेट लॉस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो क्यों ना आप वेट लॉस पे आर्टिकल लिखो, लोगों को समझाओ और वहां पर वेट लॉस का प्रोडक्ट लगा के एफिलिएट मार्केटिंग करो। दूसरा टॉपिक इसमें हम आता है वेट गेन मसल गेन। वेट गेन मसल गेन करने पर आर्टिकल लिखो। आजकल आपने मार्केट में देखा है बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रहे हैं, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, मुझे ज्यादा इसकी नॉलेज तो नहीं है बट जो मुझे नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंग पे लिख के आप उसको प्रमोट कर सकते हो, कमीशन कमा सकते हो। अगर मैं बात करूं स्किन केयर रूटीन, बेसिकली जो हमारे हेल्थ नीचे बंदे होते हैं वो अपनी बॉडी के साथ साथ चाहते हैं कि मेरी स्किन भी अच्छी हो, तो स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके ऊपर आर्टिकल लिख के आप प्रमोट कर सकते हो, या फिर वीडियो बना के प्रमोट कर सकते हो। मतलब देखो कि हेल्थ नीच में कितनी सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मैं आपको इनमें और ऐसे ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जो कि कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज में मार्केटिंग की और कल उसका फ्यूचर खत्म हो गया, ये हमेशा कंटिन्यू चलने वाली मार्केटिंग है। तो बेसिकली हमारा ये दूसरा टॉपिक था जिसपे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि बेसिकली आप किस तरह इस पर वर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज मन में आपकी ये भी आती है कि भाई आप जो टॉपिक बता रहे हो उसके लिए हम प्रोडक्ट कहां से लेंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो शुरुआत की दो वीडियोस है कि एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स और हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, आप उन दोनों को सही तरीके से देखो तब आप सब कुछ समझ जाओगे। उसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया है, वहां जाके चेक कर सकते हो। लेकिन एक ओरली मैं समझा देता हूं, अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है तो बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन एक सिंपल वेबसाइट है Amazon। Amazon पर जाकर आप इजिली वहां से एफिलिएट लिंक ले सकते हो किसी प्रोडक्ट का और उसको प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हो। और वहां जो कमीशन का रेंज होता है वो होता है 10%, मतलब एक सेल पे आपको 10% कमीशन मिलता है। अब हमारा
तीसरा टॉपिक आता है डिजिटल मार्केटिंग नीश। ये एक ऐसा नीश है जिस पर कंपटीशन बहुत है, बिकॉज जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस तरह डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है चीजें ऑनलाइन होना, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग भी क्या है, वो चीजें ऑनलाइन करती हो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो भाई पैसा बहुत है यहाँ, मैं बोल रहा हूं। आप अगर इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे ना तो आप इतना पैसा छाप सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन से, आप सोच नहीं सकते हो। मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताया, पैसा उसमें भी है, हेल्थ बताया, पैसा उसमें भी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी है। एक सेल पे आपको कितना कितना मिल सकता आप एज्यूम नहीं कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग को मैंने अपने बेस्ट में से बेस्ट टॉपिक्स में इसलिए लिया है बिकॉज इसमें पहली बात तो पैसा बहुत है, और दूसरी बात यह है कि आप दिन में डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी बहुत तो करते ही होंगे। ओ कैसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने की सोचा, तो ये भी तो डिजिटल मार्केटिंग है। आपने कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, कंटेंट डाला, एक पिक्चर डाली, कैप्शन डाली, वो भी तो डिजिटल मार्केटिंग है। आपने दूसरे बंदों को ईमेल सेंड की, वो भी तो डिजिटल मार्केटिंग है। तो बेसिकली मैंने इसीलिए फाइंड आउट करके ये नीश लाया हूं आपके लिए कि बेसिकली आप ये सब चीजें तो करते ही होंगे। और साथ ही साथ अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीज आती है, लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया, एप्लीकेशंस, ईमेल्स, ऐसी बहुत सारी जो टेक्निकल चीजें हैं, डिजिटल चीजें हैं, वो सारी चीज डिजिटल मार्केटिंग में आती है। और साथ ही साथ अगर मैं इसमें टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो बेसिकली इसमें टॉपिक्स बहुत है। पहला हमारा हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करता हूं तो उसमें आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं जिनका यूज करके उस पर आर्टिकल लिख के आप बहुत अच्छे तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और दूसरा इसमें हमारा आता है वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइन। जब मैं वेबसाइट डेवलपमेंट डिजाइन की बात करता हूं तो आप इस पर आर्टिकल लिख के अच्छे खासे टूल्स बेच सकते हो, अच्छे खासे मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं उसको बेच सकते हो। इस पर आप जाके कहीं गूगल पर डीपली नॉलेज लोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज फिगर आउट हो गया है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो कितना बड़ा फ्यूचर है और कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग है। अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने की वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की थी, तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए होस्टिंग की जरूरत होती है। और अगर मान लीजिए आपने होस्टिंग को प्रमोट किया किसी कंपनी के, तो एक होस्टिंग कंपनी जानते हैं कितने रुपए देती है, वो एक सेल पे आपको $70 से $80 तक कमीशन देती है। आप समझ सकते हैं, दिन में आपने 10 सेल करवाई, एक दिन में आपने कमा लिया $800, कहां कमी है भाई, बहुत पैसा है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग हमारा होता है गूगल से रिलेटेड, पीपीसी जो हमारी चीजें होती है एड चलाने वाली उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी में हमारा चौथा टॉपिक आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हम वर्क करते हैं गूगल के जो वेबसाइट होती है उसकी रैंकिंग को प्रूव करने के लिए, तो मतलब आप इसमें भी आर्टिकल लिख सकते हो। इसी में हमारी वीडियो मार्केटिंग भी आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग भी आ जाती है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है। मेरा काम क्या है, बस आपको टॉपिक्स बताना। अब आपको इस पर रिसर्च करनी है, फोकस करना है कि इसमें क्या क्या चीजें होने वाली जिस पर आप आर्टिकल लिख के एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और उनके प्रोडक्ट्स को, टूल्स को, और भी बहुत सारी चीजें होती है उसको प्रमोट करवा के, सेल करवा के कमीशन कमा सकते हो अच्छा खासा। अब हमारा चौथा टॉपिक आता है फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट नीश। जब मैं फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट नीश की बात करता हूं तो बेसिकली मैं कहता हूं कि अगर आपके पास फाइनेंस रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज है तो आप इस नीश को भी पिक कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक्स आ गए, फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गया, स्टॉक मार्केट आ गया, और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है वो आ गया, या फिर बैंक से रिलेटेड जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, उनसे जारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है जिस पर आप आर्टिकल लिख के अच्छी खासी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें और एफिलिएट मार्केटिंग के मुकाबले कॉम्पिटिशन बहुत कम है। मैंने इतना जितनी मैंने स्टडी की, रिसर्च की, मैंने ये देखा है कि इसमें बहुत कम लोग भागते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इससे भाग सकते हो। अगर इसमें मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो इसमें टॉपिक्स लाइक आता है पहले कि आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो कि बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है और वहां से आप किस तरह एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। इसमें आपको बेसिकली रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जा सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये भी बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे आप वर्क करना चाहते हो। आप जा सकते हो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे, आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आर्टिकल लिख के इन्वेस्टमेंट बिकवा के एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ आप जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं कंपनीज के, बेसिकली अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो ये तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। ये सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये तीन तरीके के क्रेडिट कार्ड्स हमारे आते हैं, और इनको अगर आप बिकवाते हो तो इन पर भी एफिलिएट मार्केटिंग करके आप कमीशन कमाते हो। जहां तक कि मैंने रिसर्च की थी, मुझे पता चला था कि इस पे एक सेल में आप $90 तक भी कमा सकते हो। आप सोच सकते हैं, एक सेल और $90, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से भी ज्यादा। फाइनेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसमें पैसा बहुत है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से टॉपिक चूज करना पड़ेगा, उस पर वर्क करके सेल करवा के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कराना पड़ेगा। तो बेसिकली ये भी टॉपिक जिस पर आप चाहो तो वर्क कर सकते हो। अब हमारा पांचवा टॉपिक आता है फैशन एंड ब्यूटी नीश।
जब फैशन और ब्यूटी इसके मेरे मन में ख्याल आते हैं ना, तो मेरे मन में एक चीज आता है, पैसा ही पैसा। क्योंकि ये निश ऐसा निश है जिसको पहली बात तो कभी खत्म नहीं होगा, और इसमें पर डे कुछ ना कुछ सेल परचेज होती रहती है। ऐसी कौन सी लड़की नहीं है जो कि ब्यूटी से प्रोडक्ट ना खरीदती हो, या फिर ऐसी कौन सा बंदा नहीं है जो फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ना खरीदता हो। सभी रोज ना कुछ खरीदते रहते हैं, बिकॉज अपनी चीजों को उनको इम्प्रूव करना होता है इन सब प्रोडक्ट के साथ। इसी अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैप करना है, आपको देखना है कि बेसिकली आप फैशन और ब्यूटी के निश में ऐसा कौन सा टॉपिक इसको पिक करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। आपको इन दोनों में से किसकी नॉलेज, इसको आप प्रमोट करके अच्छा खासा आर्टिकल लिख के या फिर वीडियो शूट करके प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो। बिकॉज एक ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये तो नहीं है कि खाली लड़का लेगा, या फिर ये तो नहीं है खाली लड़की लेगी। आप ये बोले तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपके लिए आ गया, मतलब ऑलराउंड नीश, सब कोई ले सकता है, हर कोई फैशन करता है, हर कोई ब्यूटी करता है। लेकिन आपको चूज करना है कि आप क्या इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या आप आर्टिकल लिख पाओगे। अगर ये सब चीजें कर पाओगे तो ये निश आपके लिए होने वाला है, और इसमें पैसा भी बहुत है। बिकॉज ये निश ऐसा नहीं, इसमें सेल्स बहुत होती है। रोज कितनी सेल हो जाए आपको पता नहीं, हफ्ते में कितनी सेल हो जाए पता नहीं, जितना ट्रैफिक आएगा यहां से उस सेल का जो कन्वर्जन होता है बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज अगर कोई बंदा यहां पर आ रहा है तो वो खरीदने के ही मकसद से आता है, इतना मैंने चीजों को पढ़ा है, एनालाइज किया है। तो बेसिकली अगर आप इन सब टॉपिक्स को फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं इजीली। अगर मैं इसमें टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो आप इसमें ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रिव्यूज कर सकती हो अच्छे खासे, जो स्किन केयर के होते हैं, हेयर केयर के होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, वो आपको ही पता होगा। आप देख सकते हो बेसिकली कि मुझे किस पर आर्टिकल लिख के किस चीज को प्रमोट करना है, ठीक है। आप फैशन के ऊपर जा सकते हो, लाइक उसमें क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया, जींस हो गई, शर्ट्स पैंट हो गई, कुछ भी हो सकता है। इसमें डिसाइड करना बेसिकली आपकी, आपको कौन सा इस नीश में ऐसे कौन सा टॉपिक इसको पकड़ के अच्छे खासे तरीके से वर्क करना है। और भाई जब पैसे की बात आ रही है तो पैसा तो हर नीश में है, हर सेक्टर में है, बट करने का देरी है कि आप उस पर किस तरह से काम करते हो। सो गाइज, आई होप आपको इन जो मैंने पांच नीश बताए स्टेप बाय स्टेप आपको सही तरीके से समझ आए होंगे, और अंडरस्टैंड आप हो गए होंगे कि आपको ऐसा कौन सा नीश है जिसमें वर्क करना है, ऐसा कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आप वर्क करके अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। कमीशन बेसिकली हर कोई में अच्छा खासा है, लेकिन किसी में सेल्स कम होती है तो कमीशन ज्यादा है, और किसी में सेल्स ज्यादा होगी तो कमीशन ज्यादा है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी कैटेगरी को चूज करते हो। सो गाइस, आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसी वीडियोस के लेकर मैं पर डे आपके सामने हाजिर होता हूं। और साथ ही साथ ये मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, अगर उनको एफिलिएट मार्केटिंग में नॉलेज है और वो कोई टॉपिक को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।